हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। इस चैनल पे पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि एजुकेशन से रिलेटेड सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। प्रैक्टिस पेपर्स टू, ये 2021 का है लेकिन यही पेपर दिया जा रहा है, तेलुगु सेकेंड लैंग्वेज का। आप देख सकते हैं किस तरह पेपर दिया गया है। यहाँ पर एक प्रोफेसर जयशंकर का पैराग्राफ दिया गया है और इसी के आंसर्स आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाना है। आप 5 क्वेश्चन, यहाँ पर एक अननोन पैराग्राफ दिया गया है और इसके फिलअप्स आपको करना होगा। यहां पर दिया गया है तिमिर इस्मोने की पोएम ऑलरेडी, ये आपको कंप्लीट करना है और इस पोएम का भावम आपको लिखना है और इस पोएम स्क्रैम्बल है, उल्टी पुल्टी है, इसको सही करके आपको लिखना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को आपको लिखना है। वर्षम पड़ोतुंटे पशुपाक द्वारा कलगे ఆనందమే వినిచండి, కలుకుని కల విషం గురించి వేమన గురించి మీకు తెలిసిన తెలంగాణ నాయకులు ఈ విధంగా ఉండాలని మీరు అనుకుంటున్నారు, రామేశ్వరంలోని ముగ్గురు మత పెద్దల వస్తుందన ఈ విధంగా ఉంటుంది, బిస్మిల్లా ఖాన్ ఉన్న వ్యాప్తి మరి షైనై వాదనకు లభించి అనడానికి ఉదాహరణ, అబ్దుల్ కలాంకి బారేమే లిఖనా హై, బిస్మిల్లా ఖాన్ అతని అన్నకి మధ్య గల సంబంధం ఈ ఆప్కో లిఖనా హై। యహాన్ సే దేఖే లాంగ్ ఆన్సర్, వర్షణం बारिश होने से क्या फ़ायदे होते, शतक पध्यालु के बारे में आपको, इसके मोरल एक्टिविटीज़ के बारे में आपको लिखना है और तिरंगा के लोग किस तरह रहना चाहिए, आप कैसे रहना चाह रहे हैं ये लिखना है। आप अब्दुल कलाम के स्कूल के बारे में आपको लिखना है। बिस्मिल्लाह खान विदेशम वर्ल्डम पटला आसक्ति कल के नाम, बिस्मिल्लाह खान दूसरे कंट्रीज़ को जानने के लिए इंटरेस्ट क्यों बता रहे हैं अपनी बातों में लिखना है। बिस्मिल्लाह खान स्वर साधना इलाकों सागिंदी, ये आपको लिखना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके एक चित्रकार एक आर्टिस्ट के बारे में इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस आपको बनाना है, इसके लेटर लिखना है दोस्त को आपके, तेलंगाना के या ज़मीन हरी भरी हमेशा रहने के लिए, या टीचर्स डे के बारे में एक इनविटेशन आपको लिखना है। ये पार्ट बी है, ये सत्कारम, इसका ओन सेंटेंसेस साध्यम, इसका ओन सेंटेंसेस, अब ये ग्रामर आपको करना है ऑब्जेक्टिव। ये ऑब्जेक्टिव पार्ट बी है, इस तरह आपको करना होगा। इसके आंसर्स अपलोड करूंगा मैं बाद में, तब तक के लिए देख लीजिए आप। A20 तक, तो ये था आपका तेलुगु का पेपर, सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु का। ऑल द बेस्ट, अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए।